यह मुद्रेश्वर बीच है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, वनक्कम एंड बिग हेलो टू ऑल माई फ्रेंड्स। आज एक नया दिन। आज जैसा बताया था हम लोग गोकर्णा में है। गोकर्णा में हम लोग के कंटेनर होम्स में रुके थे। ये सारा कंटेनर होम्स है, ये नीचे भी कंटेनर होम्स है पूरा। तो ये हम लोग को काफ़ी रिजनेबल रेट्स में मिला। ये हम लोग को टोटल 1200 रुपये में मिला, क्योंकि यहाँ पर कोई अभी आज क्राउड नहीं था। कल खाली था, अभी भी पूरा खाली है। लेकिन हम लोग ने बोला ठीक है, ये व्यू के साथ। ये सामने हमारा रूम है, ये हमारा कंटेनर, ये हमारा कैंपर वैन। तो अभी हम लोग नाश्ता बनाने वाले हैं, तो मैं बोला पहले आपको दिखा दूँ। कल हम लोग ने पूरा गोकर्णा का बीच कवर किया। हम लोग ने ओम बीच और गोकर्णा का मेन बीच कवर किया। अगर नहीं देखा तो मेरा प्रीवियस वीडियोस में जाइए, आप देख सकते हो। जैसा मैंने पहले ही बताया, ट्रैवलिंग मेरा पैशन है और ट्रैवल करना मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने ट्रैवल व्लॉगिंग का शुरू किया। तो इसीलिए मैं हर जगह जाता हूँ, मेरे कैमरा में कैप्चर करता हूँ और जितना हो सके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि शायद कुछ जगह पे मैं सही पे कवर नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि नया नया शुरू किया है मैंने। तो पहला सीरीज़ मैंने रत्नागिरी का किया था। रत्नागिरी, चिपलून, ये सब कवर किया था। ये भी मेरा प्रीवियस वीडियोस में है, आप देख लो। उसके बाद मैंने फिलीपींस सीरीज़ कवर किया और अभी ये मैं पूना टू मैंगलोर का कवर कर रहा हूँ। ये मेरा कैंपर वैन है। ये एक्चुअली हम लोग आज रूम ले, लेकिन एक्चुअली ये कैंपर वैन जो है पूरा बेड में कन्वर्ट होता है। ये ये सीट आगे चला जाता है और ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा बेड हो जाता है। तो मेरा प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया कि कैसे हम लोग सोते हैं। इनफैक्ट कारवार में हम लोग रात को इसी में सोए थे, मतलब कल की रात हम लोग इसके ऊपर ही सोए थे। तो ये यहाँ पर हमारा किचन भी, यहाँ पर हम लोग किचन प्लेटफॉर्म है, तो जिसके ऊपर हम लोग खाना बनाते हैं। और यहाँ पर हम लोग हमारे सब सामान स्टैक करते हैं। पानी है, ये सब यहाँ पर अभी सब ऐसा मेस पड़ा हुआ है। ये स्लीपिंग मैट है, ये स्लीपिंग बैग्स है। ये यहाँ पर इसमें हम लोग हमारे सब सामान इसमें हम लोग रखते हैं। ऐसा टोटल 4 बॉक्स है, 2 बड़े 2 छोटे। तो इसमें हम लोग ईटेबल्स रखते हैं, इसमें सब हम लोग कुकिंग का सब जो सामान रखने का वो रखते हैं। और टेंट्स भी कैरी कर रहे हैं हम लोग, इसमें टेंट्स भी है। तो अगर समझो ज़रूरत पड़े तो अगर टेंट में रुकना पड़ता है, तो टेंट में भी गाड़ी के बाजू में टेंट भी लगा के हम लोग रुक सकते हैं। ये हम लोग 20 लीटर का वाटर कैन भी कैरी करते हैं, ताकि जहाँ पर भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर ये पानी यूज़ करें, क्योंकि रास्ते में हम लोग चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो पानी तो लगेगा ही। तो हम लोग ये 20 लीटर का जरी कैन हम लोग कैरी करते हैं। कल रात को भी डिनर हम लोग ने यहीं पे बनाया था, तो आज भी डिनर यहीं पे बना रहे हैं। यहाँ पर ब्रेकफास्ट यहीं पे बना रहे हैं। तो ये सामने नज़ारा के साथ, ये हमारा सामने नज़ारा है, ये नज़ारे के साथ हम लोग बना रहे हैं। तो ये हमारा बन रहा है ऑमलेट। तो यहाँ से अगर आप बाहर नाश्ता करने भी जाओ तो कम से कम एक 8 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो इसके लिए ऐसा जगह लो जहाँ पर आप खुद का कुकिंग भी कर सकते हो। जैसा कल रात को हम लोग ने बुर्जी और ब्रेड के साथ हम लोग ने खा लिया। आज हम लोग चाय बना रहे। तो यही मज़ा आता है बदर ट्रैवल करने का। तो ट्रैवल, जिसको ट्रैवल का पसंद है, शुरू करो। आपके पास कार है, बाइक है, कुछ भी है, आप शुरू करो। पहले छोटी जगह से शुरू करो, नज़दीक का जगह से शुरू करो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो फिर बाद में आप आगे का जर्नी आप कंप्लीट कर सकते हो। तो पहले छोटे से शुरुआत करो। छोटे से शुरुआत करके फिर बाद में आप बड़े बड़े जगह पे, मतलब लंबी लंबी जगह पे जा सकते हो। कॉस्ट का चिंता मत करो, क्योंकि आपको जैसा आपको चाहिए, बजट के हिसाब से आपको चाहिए, तो बजट के हिसाब से भी आपको रूम मिल जाता है। हम लोग तो कुछ टाइम कार पे सोते हैं, कुछ टाइम हम लोग होटल लेते हैं, डिपेंड करता है हम लोग कितना टायर्ड है या हम लोग को कुछ कपड़े वपड़े धोना है। जैसे हम लोग को कल कपड़े धोना था तो हम लोग ने ये होटल ले लिया। ये थोड़ा ब्रेड, थोड़ा स्वीट ब्रेड है। यहाँ पर आपको साउथ में आपको ब्रेड जो है थोड़ा बन टाइप स्वीट ही मिलेगा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, ये हमारी गाड़ी तैयार हो गया है। तो अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर एक फेमस महाबलेश्वर टेम्पल है गोकर्णा में, लेकिन उसका नाम महाबलेश्वर टेम्पल है। काफ़ी लोग इधर आते तो वो विजिट करते हैं। तो अभी हम लोग उधर का भी दर्शन लेके फिर आगे निकलेंगे। ये महाबलेश्वर टेम्पल का रास्ता है, शायद सामने ही महाबलेश्वर टेम्पल है। एक्चुअली ये है ये भगवान को लेके जाने का रथ है, इसको बोलता है। ये फेस्टिवल टाइम पे ये जो शिव जो है ये रथ से बाहर आता है और लोग ये नीचे रस्सी से इसको खींच के शायद पूरा गांव भर घुमाते हैं। सामने जो है ये सामने जो है भगवान बैठता है और ये नीचे ये इसको रस्सी से खींचते हैं। ये अगर आपको अंदर जाना है तो आपको आपका शर्ट निकालना पड़ेगा और लुंगी पहन के ही अंदर अलाउड है, और अंदर फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है। तो इसके लिए मैं बाहर से ही आपको ये दर्शन करा रहा हूँ। तो दर्शन होता है। ये महाबलेश्वर टेम्पल है, लेकिन इसका एंट्री पीछे का साइड से है। अभी हम लोग गोकर्णा से मुद्रेश्वर जा रहे हैं। यहाँ से 78 किलोमीटर दिखा रहा है, करीबन 1 घंटा 25 मिनट्स। अभी हम लोग कुमटा में आया है, कुमटा टाउन, और यहाँ से अभी एक करीबन 45-47 किलोमीटर पे मुद्रेश्वर आएगा। अभी ये मुद्रेश्वर के लिए हाईवे से अंदर ले लिया राइट पे। ये यहाँ से एक 4 मिनट के रास्ते पे 2 किलोमीटर पे ये मुद्रेश्वर टेम्पल है। ये मुद्रेश्वर बीच है। यहाँ से ये मेन टेम्पल दिखता है। और ये सामने बीच है, गौ कैलाश के वेंटी। अभी मैंगलोर की तरफ निकले। अभी मैंगलोर यहाँ से करीबन 137 किलोमीटर्स दिखा रहा है। यहाँ से कम 3 घंटा लगेगा। तो हम लोग 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास पहुँच जाना चाहिए। कुंदापुर से थोड़ा पहला ये मारावंते करके जगह देखा। अभी ऐसा देखा जाएगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटका, इतना अच्छा अच्छा ब्यूटीफुल जगह है। एक्चुअली अगर आप गाड़ी लेके या कुछ लेके निकलते हो तो डेफिनेटली आप ये सब एंजॉय कर सकते हो। अगर आप बस में जाओगे, ट्रेन में जाओगे तो ये नेचर का ब्यूटी आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। आप देख सकते हो कुंदापुर क्रॉस किए। अभी कुंदापुर से अभी हम लोग उडुपी जा रहे हैं। उडुपी सिटी के अंदर जा रहे हैं अभी हम लोग। ये उडुपी सिटी, यहाँ पर CNG देखता है मिलता है क्या। अभी उडुपी में हम लोग ने CNG भरा तो मेरे को थोड़ा शॉक ही लग गया, क्योंकि उडुपी में CNG का रेट है 79.90, मतलब 80 रुपीज़ CNG है। वेरस गोवा में 97 है, कोल्हापुर, सतारा, सांगली में करीबन 99 ऐसा कुछ आसपास। अभी हम लोग मुल्की क्रॉस कर रहे हैं और अभी मैंगलोर के लिए और एक 20 किलोमीटर है। अभी मैंगलोर का एक फेमस रेस्टोरेंट है होटल नारायणा, फिश थाली के लिए बहुत फेमस है। तो अभी हम लोग वहीं पे आए हैं। तो ये हम लोग का पहला ही प्लान था कि हम लोग के होटल नारायणा में हम लोग डिनर करेंगे। यहाँ पर जैसा मैंने बताया फिश करी बहुत फेमस है, स्पेशली यहाँ पर किंग फिश का जो थाली है, थाली मतलब फिश तो बहुत अच्छा है। तो अभी हम लोग वही खाने वाले हैं, आपको दिखाता हूँ वो भी कैसा है करके। आप देखिए, अगर आप इधर बैंगलोर में आते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर एक ट्राई कर लीजिए। काफ़ी टेस्टी फूड है इधर। फिश करी, फिश होटल के साथ में लोग ये कुछ जो तलने के टाइम पे जो निकलता है वाला है, एक वेजिटेबल देता है, एक करी और ये राइस। राइस एक्चुअली बॉइल्ड राइस है, ये साउथ का बहुत फेमस राइस है। साउथ में नॉर्मली यही खाना खाते हैं। तो अभी हम लोग के मैंगलोर में चेक इन कर लिया है। ये हम लोग को कृष्णा होटल मिला है 1800 में। तो अभी यहाँ पर 2 दिन का रहने का प्लान है, आराम करेंगे और फिर बाद में कल शाम को नहीं तो फिर परसों सवेरे हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो मैं आई होप आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा। मोस्टली आज हमारा टेम्पल दर्शन का ये था, प्लस बीचेस थे। तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो फिर डेफिनेटली, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका कमेंट्स अगर कुछ होगा तो कमेंट्स भी दीजिए। कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो उसका भी बताइए। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए मैं आपको गुड बाय बोलता हूँ। कल हम लोग फिर मिलेंगे आपको। थैंक यू।